आपके इस प्रेम को, इस धर्म को बहुत बहुत वंदन करते हैं। और बहुत प्यारी बात, गुलाबिता के कदम को चूम कर निकला, थामा है जिसने भी कामयाबी का दामन, वो अपने माता पिता के कदमों को चूम कर निकला। यदि माता पिता के चरण स्पर्श करके आप दुनिया के किसी काम के लिए निकलते हो तो वो काम हमेशा पूर्ण होता है। यही बात गोयल साहब ने आप सबके बीच में कही। और एक बात आपने और कही कि कबीराज जब हम पैदा हुए, जब हंसे हम रोए, और कुछ करनी ऐसी कर चले कि जग रोए हम हंसे, ऐसा काम करके जाओ तो आपका जीना सार्थक है। एक जोरदार तालियां बजाकर अभिनंदन करें। एक छोटी सी बात निवेदन करता हूं, कोई आपके जाने की पीड़ा से जिसकी आंखों में यदि आंसू आ जाता है, आपका जाना सार्थक है। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। और अब मैं रोहित जी फुले से निवेदन करना चाहूंगा कि सबसे पहले भगवान निर्माण को नमन करता हूं, मां भारत की शिक्षा को नमन करता हूं, सभी सम्मानित अतिथि, इस हिंदू नगरी के अंदर मुझे बोलने का मौका मिला, पहले से अभिनंदन करता हूं। मां भारती की शिक्षा को नमन करते हुए मेरा आयोग और पाए पर राजस्थान के करनाई के रूप में वसुति मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। सब ग्राम पंचायत को दिन और रात मेहनत करके आप ऐसा प्रोग्राम देते हैं, पूरे राजस्थान के इतिहास में लिखा जाएगा यह प्रोग्राम। राजस्थान के कोने कोने से, प्रदेश के कोने कोने से आए हुए लोग आपकी व्यवस्था देख रहे हैं। आप इतनी शानदार व्यवस्था की, खाने की व्यवस्था से लेकर रात्रि जागरण की व्यवस्था, ये व्यवस्था एक राजस्थान में ऐसे नहीं कि हिंदुस्तान के अंदर भी कोई कसरा है तो राज ऐसा कसरा है जब व्यवस्थित तरीके से धार्मिक प्रोग्राम होते हैं। साथियों, बड़ी संख्या में युवा किसी ने हाथ खड़ा करके एक आदमी बताओ, मैंने देखा उसको, नहीं देखा, मैंने देखा, मुझे नहीं पता ये मेरे संसार की रचना करता है, मेरी मां ने मुझे रचा है, मैं उसी को मेरे मां रखता हूँ, मुझे नहीं पता।
का साथ दी है। धन्यवाद खादरम साहब। आप सब लोगों से निवेदन करूंगा कि महाप्रसाद की व्यवस्था सभी इधर है, एक साथ नहीं जाना है, आराम से धीरे धीरे। और महाप्रसाद की व्यवस्था है, माता वालों के लिए बाहर पंडाल है, पुरुष लोगों के अंदर पंडाल है, हमारे पुलिस के जवान यहाँ के कार्यकर्ता। हिंदू धर्म की उत्पत्ति हुई थी, बाद में वो धर्म जन में पूरा ठिकान होकर सबसे बड़ा धर्म हिंदू धर्म है। और इस धर्म को बचाने के लिए महान पुरुषों ने अपनी कुर्बानियां दे दी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। साथियों, आप सबको भी जब बात धर्म की आ जाए, इस बात हिंदू धर्म की आ जाए, तो अपने प्राणों की परवाह नहीं करना। बहुत महान पुरुषों ने इस धर्म को बचाने के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। साथियों, एक जुमले बाद आते हैं, पहले से ही होता आया है, ढूंगी बहुत पहले थे और आज भी है। साथियों, एक बार प्रभु रामचंद्र जी लंका विजय के लिए चढ़ाई कर रहे थे, तो श्री राम ने ऐसा पुल तैयार किया समुद्र पार करने के लिए कि पत्थर का पुल बनाया और पत्थर उसके राम के नाम के पत्थर तैरने लगे, तो लंका में हाहाकार मच गया। हे लंकेश, ऐसा मायावी कौन आया है जिसके नाम के पत्थर तैर रहे हैं? तो साथियों, लंकेश ने कहा, अरे मेरा सेनापति भयभीत मत हो, वो तो पत्थर तैरता है, मैं इतना ताकतवर हूं, पूरी चट्टान तैरा दूंगा। कल सुबह सब आ जाना समुद्र तट पे, मैं आपको चैतन तैरा के दिखा दूंगा। लंकेश ने यह बात सेनापति को कही, तो सेनापति सेना से जाके कहा कि वो राम कुछ भी नहीं है, हमारा लंकेश पूरी चट्टान तैराना जानता है, पूरी चट्टान तैराना जानता है, सब समुद्र के किनारे आ जाना शुरू है। साथियों, जब सुबह हुआ, प्रातः काल हुआ, तो मंदोदरी सब कुछ जानती थी। रात को शयन कक्ष में मंदोदरी ने पूछा रावण को, अरे लंकेश, मैं तेरे को अच्छी तरह जानती हूँ, मैं तेरे रात दिन तेरे साथ रहती हूँ, तूने तू चट्टान तैरा नहीं सकता, तूने क्या ढोंग किया है, तूने क्या ढोंग किया बता दे। तो लंकेश ने कहने लगा, मैं जब वो चट्टान फेंक रहा था तो मैं चट्टान से कहा, तुझे सौगंध है श्री राम की, तुझे सौगंध है श्री राम की, अगर तू नहीं तैरेगी तो। Thank you.